जैसे कोई भी प्रैक्टिकल सम के लिए आपको रेफरेंस, कोई भी टाइप का मान लीजिए आपको कोई प्रैक्टिकल सम वगैरह आता है, जैसे आप CM1 दे रहे हो, CS1 दे रहे हो, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल सम आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल CB1 में बैलेंस शीट, CB2 में कोई इलास्टिसिटी का सम, तो वो सब के लिए आपको कोई रेफरेंसिंग नहीं देना है। हाँ, आप कोई प्रूफ करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा फ्रॉम मटेरियल। अब अगर कोई ये क्वेश्चन करता है कि मान लो मैंने मटेरियल पढ़ा ही नहीं है, मैंने एग्जाम के पेपर सॉल्व किए हैं एंड मेरे को याद नहीं तो उस पेपर का है, तो आपको उस पेपर का प्रूफ देना पड़ेगा, लाइक रेफरेंस देना पड़ेगा। अब उन्होंने बहुत ही माइन्यूट तरीके से वो रेफरेंसिंग दिया है कि भाई इतना पेज नंबर में होना चाहिए, ये चैप्टर नंबर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो उतना माइन्यूट डिटेल्स भी हम लोग को कवर नहीं करना है, ठीक है। रेफरेंस दे देंगे तो बेटर रहेगा, जितना मेरे से पॉसिबल होगा। अगर मान लो कोई एक पैराग्राफ उठा रहा है, उसका रेफरेंस ध्यान में नहीं आ रहा, तो मत दो, ऐसा कोई बात नहीं कि देना जरूरी है। आर यू गेटिंग इट? लेकिन जितना देंगे उतना बढ़िया है। आज आंसर जब हम लोग लिखते हैं तो एलैबोरेट वे में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जितना एलैबोरेट लिखेगा उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, तो सच बात है, लेकिन अब इंसान को नहीं स्ट्राइक कर रहा है उस एट मोमेंट में कि ये भाई कहाँ से लिया है, तो नहीं मिल रहा है तो उस पॉइंट पे तो मूव कर जाओ उसके लिए, वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा मत करना कि पेपर ना खत्म करो रेफरेंसिंग के चक्कर में। हाँ, एकदम कोई डायरेक्ट पैराग्राफ तुम देख के लिख रहे हो, तुम एकदम पूरे डायरेक्टली देख के लिख रहे हो और तुम उसका रेफरेंसिंग नहीं देगा, तो वो गलत हो जाएगा। इंटरनेट बिल्कुल भी यूज मत करना, बेवकूफी होगा, ठीक है। मेरा तुम लोग से बात बार बार होता नहीं है, हम ये भी बोलेंगे किसी भी दोस्त के संग बैठ के एग्जाम देना महा बेवकूफी होगा, क्योंकि वो एक्चुअल में अल्टीमेटली समझ में आ जाता है। तुम लोग सब भी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे होगे, बट मैं बता नहीं सकता हूँ, देर आर इन्यूमरेबल पैरामीटर जिस पे आया कोई ये चीज चेक कर सकता है कि मतलब तुम लोग दो जन कॉपी पेस्ट किया है कोई भी चीज, मान लो कोई भी आंसर वगैरह, कोई भी चीज का मान लो अगर तुम लोग को आंसर नहीं पता हो, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में हड़बड़ा के अपने फ्रेंड को कॉल करके उसका आंसर मत लिख देना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब मान लो लड़का लोग क्या करते हैं, लड़की लोग क्या करती है, अपने फ्रेंड को कॉल करके इसका क्या आंसर आया, उसको डायरेक्टली एमएस वर्ड में पेस्ट कर दिया वो आंसर को, ऐसा मत करना। तुम तो जाओगे उसको भी लेके जाओगे, ठीक है। तो ये सब बहुत ही बेसिक सा चीज है जो मतलब मैं बताना चाहता हूँ, और रेफरेंसिंग को लेके उतना कोई हो हल्ला नहीं होना चाहिए हम लोग के इंस्टीट्यूट में। रेफरेंसिंग वो लोग इसलिए मांगा है कि मान लो अगर भाई तुम कोई चीज कहीं से डायरेक्टली उठा रहा है तो उस चीज का रेफरेंस दे दो, बात खत्म हो गया। आज तुम लोग लिंक्डइन पे कोई भी चीज को फॉरवर्ड करता है तो उसका कैप्शन देता है ना, तो वही बात है बस, और इसमें कोई बात नहीं है। खास करके थोड़ा बहुत इश्यू आएगा तुम्हारा CB1 में और CB2 में, तो CB1 में मान लो कोई एकदम पूरा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आना इज वेरी रेयर रेयर केस कि भाई बहुत ही एकदम पूरा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ गया है, तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन अगर आ गया और तो मैथ से उसको देख के लिख रहे तो उसका रेफरेंस दे दो, बात खत्म हो गया। दो तीन जगह से रेफरेंस ले रहे तो दो तीन जगह से दे दो, तुम पेपर से ले रहे तो तुम पेपर से दे दो, ठीक है। CB2 में हमने किताब बना के दी और मैम ने शायद जॉन स्लोमैन का किताब ग्रुप में भेज दिया होगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हल्का फुल्का जॉन स्लोमैन का कंटेंट्स देखना पड़ेगा तुम लोग को। CB2 में भी देखो, तुम लोग को ऐसा देख के लग रहा है भाई कैसे कितना सारा रेफरेंस देंगे, क्वेश्चन ही तो 6-7 आता है टोटल में, क्वेश्चन ही तो 6-7 आता है, और CB2 का पेपर इतना इजी होता है कि कोई बच्चा अगर अच्छे से पढ़े तो 2 घंटा में तो उसका पेपर ही खत्म हो जाएगा, 45 नंबर का MCQ काम खत्म हो गया। लास्ट का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है वो पूरा एनालिटिकल रहता है, तो वो डायरेक्ट तो देगा ही नहीं, लेकिन हाँ तुम कहीं से भी अगर रेफरेंस उठा रहे ना तो उसको दे दो। आज मान लो तुमको कोई चैप्टर नेशनल इनकम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुमको ये तो पता होगा ना कि जॉन स्लोमैन में नेशनल इनकम इस चैप्टर से, तो हल्का फुल्का उसको अगर तुम सर्च करके दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस इतना सही बात है इसमें। हाँ, आप तुम लोग डाउट्स पूछोगे करके। यस भैया हम लोग को नहीं, टेबल्स का रेफरेंसिंग भी देना पड़ेगा ना? नहीं टेबल का रेफरेंसिंग नहीं देना है। नहीं पर टेबल ना बोलो। हाँ मेरा वॉइस ऑडिबल है क्या? हाँ ऑडिबल है, बोलो ना। अच्छा नहीं, टेबल का रेफरेंसिंग देना पड़ता है CS2 में, जहाँ पे तुम अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू लेती हो या फिर तुम कुछ साइंस टेस्ट का यूज कर रही हो, जैसे अपने साइंस टेस्ट में क्रिटिकल वैल्यू लेते हैं, तो मैंने ये क्लास में बोला हम लोग हर जगह देते हैं एंड तुम लोग देखना सोल्यूशन में भी हर जगह रहता है,
तो टेबल बुक का तो तुमको पूछना ही नहीं चाहिए योग्यता, बिकॉज टेबल बुक हमेशा देते हैं अपने सीएस टू में, ये सब में देना ही पड़ेगा हाँ रेफरेंसेस। वो तो जो जनरल तो हम लोग हर समय ही देते हैं, दिस हैज बीन टेकन हाँ फ्रॉम योर टेबल बुक। पेज हाँ नंबर मतलब राइट। ये वाला एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज हुआ, याद है वो लोग एग्जामिनर कमेंट में कैसे लिखवाता है कि ये पेज नंबर 158 159 से लिया गया है, वो लोग ने बहुत डिटेलिंग करके दिया है चीज समझो, वो लोग तो एकदम पूरा डिटेलिंग करके दे रहे हैं कि भाई ऐसा पैराग्राफ नंबर उतना, अगर तुमको तुम डायरेक्टली, वो लोग का बोलने का मतलब ये है अगर तुम ऐसे डायरेक्टली छाप के लिख रहे तो तुम भाई रेफरेंसिंग वैसा दे दो ठीक है ऐसे करके। और तुम लोग हमेशा मैक्रो सेंस में सोचा करो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स दोज आर गिविंग द एग्जामिनेशन टू रिमेंबर ऑल द लाइक रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर दे आर राइटिंग द एग्जाम, बट स्टिल वी शुड एम फॉर परफेक्शन। तो क्या है कि हम लोग को हल्का सा जॉन स्लोमैन में टाइम स्पेंड करना है क्योंकि हमने अपना कंपाइलर वहीं से बनाया है, वो रेफरेंस बुक था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइक उसमें अपने जॉन स्लोमैन का जो अपना किताब है उसमें अपने क्या कर सकते हैं कि एक बार उसको मान लो हाफ अ डे, मतलब मान लो मे बी 5 to 6 hours उसमें स्पेंड किया एंड उसमें देख लिया कैसे क्या है, एग्जाम के एक दिन पहले भी 2-3 घंटा में देख लिया कैसे क्या है, इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट। अपडेटेड नहीं रहेगा तो भी तो तुम लोग फेल हो जाएगा, मान लो प्लेगरिज्म का मेल आ गया तब तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा ना, अभी लास्ट मोमेंट में जब वो लोग भेजा है तो उसको तुम लोग को एडियर करना पड़ेगा, उसके उसका देर इज नो पॉसिबिलिटी कि हम लोग उसको छोड़ सकें, तो यू शुड एक्सेप्ट द चेंजेस रादर देन डिफेंड द चेंजेस कि ये चेंजेस क्यों आया है, वो लोग को हेल्प होगा अगर ये चेंज जो लाया इससे वो लोग को हेल्प होगा पेपर चेकिंग एंड ऑल में, इट विल बी इजियर, प्लेगरिज्म के मेल्स नहीं आएंगे, फास्टर प्रोसेस होगा, तो इसीलिए दे आर आस्किंग फॉर रेफरेंसिंग। ओके देयर इज नो अदर रीजन। यस नाउ सर सर आई एम जस्ट सर रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, टेबल बुक का रेफरेंसिंग देना है ठीक है। हाँ बोलो। सर ये जैसे आपका CS1 का जो मॉक्स है, मॉक 1 2 3 4 ऐसे, तो उसमें जो भी हाँ थ्योरी का क्वेश्चन था, अब वही सेम टू सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो उसका आंसर ये मगर लिखेंगे तो वो आंसर कहीं से आप लिए थे क्या नहीं ऑलरेडी? नहीं तुमको कोई रेफरेंस नहीं देना है, एक बात बताएं तुमको, अगर कोई चीज एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो वो तो हम अपना दिमाग से लिखे हैं, उसका कोई रेफरेंसिंग तुमको नहीं देना है, तुम चीज समझो। नहीं सर हम थ्योरी क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, थ्योरी कैसा क्वेश्चन, एग्जांपल दो। जैसे डायरेक्टली आ जाता है ना GLM का ये लिखिए वो लिखिए वैसे। हाँ तो वो आज मान ले तुमको जो है वही तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं मैट एक बार पढ़ लो आज, जैसे मान लो तुम हल्का फुल्का मैट देखेगा ना। अच्छा जैसे मान लो तेरे को क्या डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन लग रहा है भाई, हमको नाम बता GLM का, ये वो क्या। हेलो हेलो हाँ सर हेलो, हाँ बोलो बोलो। जैसे GLM का assumptions वगैरह आ जाए हाँ तो मान लो अगर जीएलएम का एग्जम्पशंस वगैरह आ रहा है तो तुम क्या करेगा, वो देखेगा मैट में कहा, तुम कह के क्या करेगा जीएलएम एग्जम्पशंस, तुमको तो मैट एक बार तो हल्का सा देखा हुआ होगा ना, तो बस के लिए जाके वो पेज नंबर और वो लिख दो। देख ये चीज ना एक्चुअली तेरा टाइम पे बात है, तो हल्का अपना हाथ में स्पीड रखना पड़ेगा इस चीज में तुम लोग को। हम मेरे हिसाब से मेरा जो दिमाग काम करता है, कोई भी पेपर दे रहा होगा ना इस चीज में तुम लोग को 10 से 15 मिनट देना पड़ेगा, अब वो देना पड़ेगा उपाय नहीं है, तो हाथ में स्पीड रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट और मैम एक चीज आपसे भी पूछना था, ये आर का हाँ जब कोड कंसोल का कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वर्ड में तो वो कलर अलग आना नहीं होगा ना अभी तो? आज हम लोग करेंगे, अभी इस क्लास के बाद CS1 का क्लास है ना, उसमें कर लेंगे वो चीज डिस्कस। तो अच्छा ठीक है। नेक्स्ट डाउट। एक चीज और, जब ये काफी लोग ने पूछा है कि हम लोग नोट्स से पढ़ते हैं अगर, तो हम लोगों को कैसे पता कि आप लोगों ने कहाँ से, हमने नोट्स जो लिखवाया है हमने मटेरियल से ही करवाए हैं, तो जब आप लोग नोट्स रीड कर रहे हो अभी लास्ट टाइम, जब नोट्स रीड करोगे एंड जहाँ पे भी लगे कि हाँ ये थ्योरी पोर्शन है एंड ये डायरेक्टली शायद हो सकता है मटेरियल से लिया हुआ हो, तो तुम लोग मटेरियल खोलो, तुम लोग को डायरेक्टली चैप्टर नंबर तो पता है, यू विल जस्ट ओपन द मटेरियल एंड वो मिल जाएगा, तो वहाँ पे साइड में एटलीस्ट यू चैप्टर नंबर एंड पेज नंबर लिख के छोड़ दो, ताकि तुम लोग फिर एग्जाम में रेफर कर पाओ अगर तुम लोग नोट्स से डायरेक्टली पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो नोट्स का भी रेफरेंसिंग हमने ऐसे हर जगह से नहीं, हमने को रीडिंग से ही लिया है,
तो अगर किसी को वैसे लग रहा है तो नोट्स रीड करते वक्त जहाँ पे भी थ्योरी ऐसे लगे कि ये थ्योरी लिखवाया है पूरा डायरेक्टली, तो वहाँ पे खाली रेफरेंसिंग लिख देना ताकि एग्जाम टाइम में फिर इजी रहे। देखो हल्का फुल्का सबको सबको लाइक मैट इसीलिए दिया गया है कि कोई भी टाइप का कंटिंजेंसी के लिए, जैसे ये कंटिंजेंसी जो आया है, तो एक बार अगर तुम लोग मैट में नजर घुमा लेगा तो तुम लोग का नॉलेज बेस भी बढ़ेगा और तुम लोग को हेल्प भी करेगा रेफरेंसिंग में। और एक बार मैट पढ़ने में 2 दिन से ज्यादा लगता नहीं है, तो अगर आज तुम लोग कोई भी चीज का मैट पढ़े तो वो गलत क्या है उसमें? इट इज इनडायरेक्टली हेल्पिंग यू इन योर लाइक एग्जामिनेशन ना। नाउ डोंट बी वेरी मच फसी अबाउट दीज थिंग्स कि भाई कैसे होगा, रेफरेंस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो सब मत सोचो। अगर मान लो एग्जाम में तुमको कोई चीज का आंसर आता है जो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है, ठीक है, और तुम उसको लिख रहे जिसका रेफरेंस तुमको नहीं मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कोई जितना हो सके उतना दो। कोई भी टाइप का प्रैक्टिकल के लिए तो देना ही नहीं है, जो नया टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए देना ही नहीं है। एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा जो दिमाग से, जैसे कमेंट्स आता है, तो कमेंट्स के लिए देना ही नहीं है, उस तरीके से अपने को सोचना है, ठीक है? सर ये जैसे लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से जो वैल्यू निकाल के लिखते हैं वो भी उसके लिए भी हाँ, ये रेफरेंस तुम बेटा लेना लेट आए हो क्लास में, ये हमने पहले ही फर्स्ट पॉइंट यही डिस्कस किया था कि टेबल बुक का रेफरेंसिंग देना है। है। सर जैसे एक और जैसे लाइक ब्लैक स्कोल के फॉर्मूले में जैसे क्वेश्चन आते हैं मोर्टैलिटी निकालने के, तो अगर मैं उसे एक्सेल से ब्लैक निकाल स्कोल दूँ मोर्टैलिटी वोटैलिटी वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी, हाँ हाँ वोलेटिलिटी, तो उसका लाइक जो है अगर मैं एक्सेल से निकाल के पेस्ट कर सकते हैं या फिर वहां पे इंटरपोलेशन से ही एक्सेल से करना निकाल होगा। के पेस्ट नहीं कर सकता। एक्सेल में तुम कैलकुलेशंस कर सकता है, तुमको वो चीज पूरा वर्ड में टाइप करना पड़ेगा। अच्छा मतलब लाइक मैं उसके एक्सेल को आसपास ही एज अ वैल्यू निकाल कैलकुलेटर दूँ। यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंट आएगा। और ये सब वोलेटिलिटी सबका जो क्वेश्चन है जो हम लोग को इसमें करने में बहुत तकलीफ होता था, वो सबको तुम लोग एक्सेल में करोगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुमको कर का दिखाना पड़ेगा। लाइक जो लीनियर इंटरपोलेशन वाला जो अपने करते थे, जैसा मैंने कॉपी में पूरा प्रॉपर सम करके दिखाया है कि भाई 5% इतना इंटरपोलेशन हर हर सब्जेक्ट में होगा, मान लो 5 और 6 के बीच में अपना आंसर आएगा, तो 5 पे इतना, 6 पे इतना, तो इतना पे, ऐसे करके पूरा वो फॉर्मूला वगैरह पूरा लगा के प्रॉपर दिखाएगा तो नंबर देगा वो लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी मेरे को दीदी से कुछ पूछना था कि दीदी ने जैसे बोला था कि जो एक्सेल वाला चीज जो हम लोग को कैलकुलेशन का था जिसके लिए हम लोग को आईफोन अलाउ किया था, उसका दीदी दिखाएगी हम लोग कि कैसे एग्जैक्टली करना है, तो उसका क्लास होगा क्या? कल हो गया ही हो गया था उसका क्लास, उसका यूट्यूब पे भी डाला मैंने कल वीडियो, कल लिंक ओके दी चैट ग्रुप में वो देख लेना ठीक है। ओके सीएस नेक्स्ट डाउट, एनी एनी फियर और एनीथिंग रिलेटेड टू रेफरेंसिंग, प्लीज आस्क। यश, सर मेरा डाउट काइंड ऑफ क्लियर हो गया जब आपने बोला कि अगर कोई चीज दिमाग में है पर याद नहीं आ रहा कहाँ पर है तो फिर भाई उसका नहीं तुम देना जैसे रेफरेंस। रटता है तुम्हारा तो सभी चीज दिमाग में होगा, तुम ये मत सोच के तो कोई रेफरेंसिंग देने का दरकार नहीं है, तेरे को देना पड़ेगा। भैया कुछ रटा हुआ नहीं है मेरा, कुछ रटा हुआ नहीं है सीवी तुम वन में, अगर मान ले कुछ मैं ये भी लिखा है वो लोग कि मैथ्स अगर तुम पूरे तेरे जैसे लोग, तो वो लिखा है कि अगर मान ले मैथ्स से पूरा डिट्टो कोई इंसान रट लेता है तो उसको मैथ्स का भैया रेफरेंस नहीं देना रटा हुआ पड़ेगा। नहीं तो ये मेरा, मत कुछ सोचना कि रटा तुम हुआ लोग का नहीं है सब मेरा कुछ सीवी याद है तो वो चीज वैसे नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। सर। और ये जैसे अगर मान लीजिए हमको पता है कि हम ये कहीं कोर रीडिंग में होगा मैट में, लेकिन हाँ फिर भी हमको रेफरेंस वगैरह ढूंढना नहीं है, हम लैंग्वेज चेंज करके उसको लिख देंगे सेम चीज, नहीं तो नहीं चलेगा? नहीं रेफरेंसिंग देना पड़ेगा, लैंग्वेज चेंज में भी रेफरेंसिंग देना पड़ेगा। भाई 3 टाइप का क्वेश्चन है, कितना क्लियरली हम तुम लोगों को समझाया एकदम शॉर्ट में, 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक प्रैक्टिकल, नो नीड फॉर रेफरेंसिंग। एक हो सकता है प्रूफ टाइप, रेफरेंसिंग देना पड़ेगा। एक हो सकता है एनालिटिकल क्वेश्चन। अब एनालिटिकल क्वेश्चन में भी देर आर लॉट ऑफ सब पार्ट्स। अब मान लो एनालिटिकल क्वेश्चन में सम पार्ट्स के लिए एक पैराग्राफ जो तुम लिखा है वो तुम कहीं से उठा के पूरा लिखा है, उसके पैराग्राफ के नीचे रेफरेंस देना इंपॉर्टेंट है। जो तुम अपने मन से बना के लिख रहे हो उसके लिए रेफरेंस देना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? बट मन से भी कैसा लिखा है, मान लो कहीं से पूरा उठा के लर्न किया है, समझ रहे हो? मान लो कहीं से उठा के पूरा लर्न किया है उसको और वो चीज तुमको पता है कहाँ से लर्न किया है, तो वो देना पड़ेगा। नाउ द ओनली
कंसर्न विच यू आर हैविंग इज अभी इस टाइम पे हम लोग क्यों करें ये चीज, तो क्यों करें, तो फिर एग्जाम मत दो ना, ये चीज सबके मन में। इनफैक्ट मैं भी एक ऐसा पेपर दे रहा हूँ जिसमें पूरा ही थ्योरी है, ठीक है, तो तुम लोग से ज्यादा डर तो मेरे को लगना चाहिए। तो पहले जो मैथ नहीं पढ़ा वो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो वो अलग चीज है, बट ये चीज हल्का, तुम लोग इतने स्मार्ट हो, तुम लोग ये सब चीज को लेके इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, जो चेंजेस आया उसको तुमको एडियर करना पड़ेगा, दैट इज द फैक्ट। ईश्वर का एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, आर वी अलाउड टू गूगल एंड गिव द लिंक एक्सेट्रा एज रेफरेंस? गूगल करना ही नहीं है तुमको, गूगल करने कौन बोला है, इतना सारा मटेरियल दिए फिर भी तुमको गूगल नहीं करना है, गूगल नहीं करना है। गूगल पता है, जो बच्चा गूगल ये सब करके पास होना, उसको मेरे सामने लेके आओ। एग्जाम में टाइम वेस्ट करना है पूरा, कि गूगल करके आंसर लिख देना, ये सब पूरा टाइम वेस्ट है, अटर टाइम वेस्ट। डोंट यूज मोबाइल फोन और फ्रेंड्स हेल्प। एंड यू नो, देखा गया है ये स्टडी में, मेरा स्टडी है ये, कि जो बच्चा लोग ग्रुप में बैठ के एग्जाम देता है, या फिर जो लोग मान लो पूछ पूछ के एग्जाम देता है, फिर दो जन संग में गट्टा बना के एग्जाम देता है, वो लोग का खराब परफॉर्मेंस होता है, कंपेयर टू जो लोग का रैंकर्स लोग है, जो लोग एकदम अलग से बैठ के इंडिपेंडेंटली एग्जाम देते हैं। इट इज ट्रू है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया लाइक अगर कोई केस स्टडी दिया है एंड हम हाँ लोग को फिर कोई टॉपिक के बेसिस पे उस पे हम लोग को कमेंट करने बोला है, लाइक अगर हाँ हम टॉपिक पे डायरेक्टली कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है कि लाइक तुमको यहाँ से भाई, लिखना है, तुमको बस इनडायरेक्टली केस तो मेरा पास स्टडी समझ, जैसे मेरे टाइम में केस स्टडी आया था, मैं तुमको समझाता हूँ। जो पीबी वन में एमबीए एक वाला केस है स्टडी आया था एमबीओ पे, ना। ठीक है, हाँ तो मैं उतना अच्छा से नहीं पढ़ा था, तो मैं वो ही पेज बार बार घुमा रहा था, तो मैंने वहीं से पॉइंट लिखे, तो मैं उसका दूंगा ना रेफरेंस। आज भले ही मैंने ऊपर नीचे कर दिया होगा लाइंस को, मेरा भी कुछ प्रायर नॉलेज था, बट मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, सम ऑफ द पॉइंटर्स फ्रॉम द इन दिस सोल्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस पेज नंबर, दिस चैप्टर नंबर ऑफ सीबी वन मैट ऑफ एक्टेड, ऐसे करके लिख सकता हूँ ना उसमें। हाँ भैया, पर हम लोग फिर मार्क्स क्यों देगा अगर हम लोग को पता है हम लोग देख के लिख अरे रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है, वो लोग रेफरेंस मांगा है, तुम चीज नहीं समझ रहे। मार्क्स क्यों नहीं देगा? अरे मार्क्स क्यों नहीं देगा, मार्क्स इज समथिंग डिफरेंट, पूरा नंबर मिलेगा पागल, पूरा नंबर मिलेगा। बाकी लोग को तो ये भी नहीं पता होगा कि एमबीओ बोल के कोई चीज है सीबीवन के सिलेबस में, तो लोग तो कुछ ही नहीं कर पाएगा। मार्क्स क्यों नहीं देगा, तुम लिखा है आंसर, तुमको मार्क्स मिलेगा। ओपन बुक एग्जाम ऐसा ही होता है। जिन लोग अरे पढ़ते भाई, हैं जब जिस खाली दिन, उनको पता होता है अच्छा कि एक बात कहाँ पे क्या बताओ, जब वो परसेंटेज लोग ये चीज बोल दिया है कि पिछला टर्म ही तो बोल दिया था कि तुम लोग मैट नोट सब कुछ यूज कर सकता है, तो अगर तुम लोग मैट नोट सब लोग यूज कर सकता है, तो उसके बाद जब वो लोग को पता है कि तुम लोग मैट और नोट सब कुछ देख के एक आंसर लिख सकते, तो क्यों नंबर दिया, दिया ना नंबर, तो है। हाँ फिर वो चीज तुम सोचने में क्यों जा रहे हो, तुमको जो करने बोला है वो करो। ठीक है, पहले भी रेफरेंसिंग दे होगा तो बस दे देगा आई कोई होप सो मार्क। इट्स क्लियर नाउ। ओके, आई होप सो इट्स क्लियर। सो दिस यस रिकॉर्डिंग विल पुट इन ग्रुप, बट डोंट सर्कुलेट इट अमंग अदर्स, ठीक है? सो काइंड ऑफ यही शॉर्ट में मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ, टेबल बुक का रेफरेंसिंग देना है, मैथ से कोई भी चीज डायरेक्ट उठा रहा है देना है, लाइन चेंज करके उठा रहा है देना है, प्रॉपर रेफरेंसिंग एक फॉर्मेट बना लो, जैसे क्या क्या फॉर्मेट में क्या क्या आ सकता है हिसाब से देखो, तो कोर्स मटेरियल, ठीक है, कोर्स में इंस्टीट्यूट मटेरियल देखना, एक्टेड का मटेरियल है तो कोर्स मटेरियल ऑफ एक्टेड सीबी वन, जैसे एक वो बना लेना सीबी वन सीबी टू, ऐसे करके एक ये आ जाएगा, एक वो कॉमन रहेगा, चैप्टर नंबर पेज नंबर और वो पैराग्राफ का वो जो पॉइंट में दिया है 3.4, वैसे वैसे करके जो उन्होंने दिया है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मेट बना लो, कॉपी पेस्ट करते जाना, जहां जहां पर लगेगा देते जाना, ठीक है। 10 मिनट टाइम तुम लोग को देना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट, अब मान लो कोई चीज का तुम आंसर तुमको पता है लेकिन रेफरेंस नहीं पता है, तो गधापंती मत कर देना कि उसका रेफरेंस खोजने चला गया, वो सब मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज बोला गया है ये करने के लिए कि बेटर हो एग्जाम्स, ठीक है, तो ऐसा मत करना, लेकिन हाँ कोई चीज का तुमको पता है, हाँ यहाँ पर है तो उसको दे दो फटाफट से, ठीक है, और 10 से 15 मिनट एवरेज में इसमें टाइम जाएगा, सबका उपाय नहीं है, मैथ्स जो भी है सबका अच्छा से पढ़ लो, ठीक है, ताकि तुमको पता रहे कहाँ पर क्या है, बाकी तुम लोग थोड़ा बहुत एग्जाम में भी खोज के कर सकते हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट का टाइम निकालना, रेफरेंस देना इज इंपॉर्टेंट, मत समझना कि रेफरेंस नहीं देंगे तो चल जाएगा, प्लेगरिज्म का मेल आ जाएगा तो उसमें कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो रेफरेंस देना जितना हो सके देना।
ये सब मत करना कि मान लो रेफरेंस खोजने में 10 से 15 मिनट वेस्ट कर दिया, एटलीस्ट मेरे से पढ़ के ये ऐसा गधापंती मत करके आना। तो वही बोल रहे, जितना हो सके रेफरेंस देना, जितना समझ में आए उतना रेफरेंस देना। कोई चीज का नहीं समझ में आ रहा तो रेफरेंस मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो तुम पूरा ही अपना मन से बना के लिखा है, तुमको लग रहा है हाँ भाई मैंने 10 जगह से पॉइंट उठाए। इकोनॉमिक्स में जनरल इकोनॉमी में क्वेश्चन आ गए जिसमें तुम हर चैप्टर से पॉइंट उठाया है, तो देने का दरकार नहीं है, समझ गया? लेकिन हाँ कुछ तुम देख के लिख रहे हैं, सामने सामने देख के लिख रहे हैं, उसके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंसिंग, ठीक है? और एमसीक्यू में भी, एमसीक्यू का जो क्वेश्चंस आएगा CB1 CB2 CS1 CS2 में, तो एमसीक्यू में तुम लोग खाली आंसर लिखना है, लाइक ए बी सी डी में से ऑप्शन देना है, ना ही वर्किंग्स पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, ना ही रेफरेंसिंग पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। एमसीक्यू में तो रेफरेंस देना ही नहीं है, पागल हो गए क्या? एमसीक्यू में रेफरेंस नहीं देना कुछ भी। क्लैरिफाई करें, और तुम लोग को वर्किंग्स भी भूल से भी मत दिखाने बैठ जाना, ठीक है? एमसीक्यू में वर्किंग्स नहीं दिखाने हैं, दैट इज व्हाई इट हाँ, इज इन द एमसीक्यू में फॉर्म ऑफ वर्किंग एमसीक्यू। वर्किंग नहीं है। हाँ, कैन वी कॉपी ये कौन है, कैलकुलेशंस? हर्ष शर्मा? कैन वी कॉपी कैलकुलेशंस फ्रॉम एक्सेल टू वर्ड? हर्ष शर्मा सामने आओ तो। कर सकते हैं हर्ष, जस्ट दैट मेक श्योर कि तुम्हारा कॉपी वर्किंग्स पेस्ट में नहीं, अच्छे से दिखाया हुआ है। कॉपी पेस्ट नहीं, तुम कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर की जैसे। एक्सेल में कैलकुलेशंस कर सकते हो, बट वो चीज तुमको फाइनली लाइक वर्ड पे पूरा प्रॉपरली करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है? जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है तो तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट तुम लोग को पूरा समझाना पड़ेगा कि तुम लोग कैसे आंसर्स लाए हो। वंशिका ने हैंड रेज किया। दीदी, जैसे मैंने मतलब हर चैप्टर के, जैसे प्रॉफिट टेस्टिंग है तो उसमें जितना भी थ्योरी हो सकता है, जितना मैंने भैया के वीडियोस जब चल रहे थे तब, और जब मैट रिवाइज करा या पास किया, मतलब मैंने कलेक्टिवली हर चैप्टर का अलग, एकदम अलग ही थ्योरी नोट्स बना लिया है। तो अब मैं सिर्फ मैथ से गो थ्रू करके जितना मैच हो रहा है उसके सामने लिख दूं, मतलब मोस्ट ऑफ द मेरा जो थ्योरी का नोट्स मैंने बनाया है वो पास्ट ईयर से बनाया है, या मॉक हाँ में जो हाँ हाँ पास्ट ईयर कर, जो भी रेफरेंस मिल रहा है लिख दो बगल बगल में, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। तुम लोग पास्ट पेपर्स का भी रेफरेंसिंग दे सकते हैं, मतलब अगर तुम लोग को लग रहा है 2015 का पेपर है या कभी कभी, तो उसका पेपर का टर्म दे देना, सेप्टेम्बर टू थाउजेंड हाँ, सेवनटीन मैं पास्ट पेपर का भी रेफरेंस दे सकता है कि इस पेपर का इतना नंबर क्वेश्चन आया, ऐसे करके। और एक बात सुनो, और एक बात सुनो, शुड बी डोंट मेक एनी काइंड ऑफ प्रीकंसीव नोशन कि खाली CM1 में इस चैप्टर का हम लोग को देना है, क्योंकि CM1 में खाली एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ऐसा नहीं है। मान लो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट से क्वेश्चन आ गया, जहां पर तुम डायरेक्टली वो थ्योरी लिख रही हो, वो तुमको रेफरेंस देना पड़ेगा। मान लो मोर्टैलिटी पे, यूडीडी पे, CFM पे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो तुमको देना पड़ेगा उस मैट का रेफरेंसिंग, ऐसे नहीं चलेगा। कोई भी टाइप का प्रूफ आ गया तो उस प्रूफ का रेफरेंसिंग देना पड़ेगा। हाँ, बस लिस्ट, CM1 में। एंड डोंट मेक एनी काइंड ऑफ प्रीकंसीव नोशन कि हाँ भाई खाली इसमें तो एक ही थ्योरी चैप्टर है। थ्योरी मीन्स व्हाट? इट इज नॉट अबाउट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, इट इज अबाउट डायरेक्टली पुटिंग इन समथिंग विच इज इन देयर इन द मैट। ओके, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस रेफरेंसिंग। और सर, जैसे मान लीजिए टाइम कम है लेकिन हमको पता है कि ये आंसर कहीं रेफरेंस का है, तो खोजने से अच्छा है ये नहीं लिख सकते डायरेक्टली कि दिस इज फ्रॉम सम रेफरेंस या ऐसा कुछ? नहीं वैसा ये नहीं, मत कर तुमको देना देना, पड़ेगा, तुमको चैप्टर नंबर तो पता होगा ना, देना एटलीस्ट पड़ेगा। चैप्टर नंबर लिखना ट्राई कर देना। अच्छा ठीक है, ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, कीप द प्रिपरेशन अप। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग इन, दिस वीडियो विल बी शेयर्ड इन सम टाइम इन द ग्रुप, थैंक यू। ओके, पेन में यस, मैथ से वर्ड टू वर्ड किया हुआ भी करना है। ओके ओके, थैंक यू। तो मैम ये आर का क्लास कब है? सही है। ये भी आर का क्लास है क्या?
हेलो हेलो हेलो। हेलो। और राजू हाँ खेडू। भाई, ये रिकॉर्ड हो रहे ना क्लास? अरे अभी आठ वाला क्लास करी।